दारू असोपा और राजीव सेन का पारिवारिक मामला अब पब्लिक की नजरों में आ चुका है। राजीव और चारू असोपा का टूटा रिश्ता इन दिनों खबरों के बाजार में छाया हुआ है। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में चारू ने अपनी टूटी शादी का दर्द जग जाहिर करते हुए बहती आंखों से हर दर्द भरे लम्हे को दर्शकों के साथ साझा किया। चारू असोपा ने राजीव सेन के ऊपर इस इंटरव्यू में कई गंभीर आरोप भी लगाए। चारू की माने तो राजीव ने उन्हें इस रिश्ते में धोखा तो दिया ही, साथ ही उनको प्रेगनेंसी के दिनों में उन्हें अकेला छोड़ दिया। और अब इन सभी एलिगेशंस पर अपनी सफाई देते हुए राजीव सेन ने मीडिया से बात की है। चारू के लगाए हुए आरोपों पर सफाई देते हुए राजीव सेन ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ चारू के बारे में उल्टा बोलनाए हूँ तो आप गलत हो। चारू बहुत इमोशनल है। चारू को सांत्वना चाहिए था जो उसे मिल गया। चारू को घर के मामले मीडिया में नहीं लाने चाहिए थे। चारू ने जिस तरह मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है उससे मैं काफी हर्ट हुआ हूँ। शादी से पहले भी मेरे कई रिलेशनशिप रह चुके हैं लेकिन किसी ने भी बुरी तरह रिश्ते को खत्म नहीं किया। राजीव आगे कहते हैं कि चारू ने जिस तरह इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं बिना बताए घर छोड़कर चला जाता था, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बात गलत थी, पर जिस तरह चारू ने ये बताया कि मैं महीनों महीनों के लिए चला जाता था वो गलत था। मैं जाता था लेकिन कुछ दिनों बाद वापस आ जाता था। कैमरे के सामने घर की बातों को छेड़ना चारू का चाइल्डिश बिहेवियर है और ये आगे चलकर उन्हें ही दिक्कत देगा। जब से जियाना हमारी जिंदगी में आई है मैं फूक फूक कर कदम रखने लगा हूँ। मैं बस चारू उसे इतना कहना चाहता हूँ कि चारू मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आप और जियाना जब भी चाहे इस घर में वापस आ सकते हैं क्योंकि आप यहाँ बिलोंग करते हैं। ये जियाना का घर है। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।